सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। युवा सम्मेलन में विद्यार्थियों की संख्या अधिक देखने को मिली। ये कार्यकर्ता विभिन्न शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी थे। हालांकि इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की संख्या बेहद कम देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान करीब 100 मतदाताओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित करना था, जो पहली बार मत का प्रयोग करने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण युवा सम्मानित नहीं हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आक्रामक दिखे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमने अपने नामों के साथ मैं चौकीदार क्या लगाया, कांग्रेस तिल मिला गई है। उन्होंने कहा कि हम में हिम्मत है तो हमने अपने नाम के साथ चौकीदार लगाया है, आप में हिम्मत है तो आप भी अपने नाम के आगे मैं पप्पू हूं लिखा कर दिखाओ। उन्होंने कहा कि भाजपा में टिकट लेने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन कांग्रेस में नेता एक दूसरे को उम्मीदवार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछली बार भी 4 सीटों पर भाजपा विजयी रही थी और इस बार भी यही होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें पहले थी,